जरा सा अच्छा मुहूर्त निकालिए, मुझे बहुत धूमधाम से शादी करनी है अपनी बेटी की। आखिर एक ही तो बेटी है मेरी। जयराम जी की शेजी। जयराम जी की? अरे गोपीनाथ, क्या लाए हो? मिठाई लीजिए शेजी, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में भाई? मेरे इकलौते बेटे की शादी हुई है, उस खुशी में मिठाई बांट रहा हूँ। शादी हो गई तेरे बेटे की? मुझे तो ना बैंड, ना बाजा, ना दूल्हा, ना बाराती, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शेठ जी, दरअसल कोर्ट मैरिज की मेरे बेटे ने। लो कर लो बात। अरे तू कर भी क्या सकता है दूसरा? शादी करने के लिए पैसे लगते हैं, कुछ नहीं कमाया तूने। देख आज क्या नहीं है मेरे पास। 8 दुकानें हैं, 8 कारें हैं, चांदी है, सोना है, बैंक है, बैलेंस है। आखिर ये मैंने किसके लिए कमाया? अपनी बेटी के लिए। आखिर इकलौती बेटी है मेरी। सेठ जी, मेरे बेटे के लिए मुझे कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे को सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। तेरे बेटे को सब कुछ अपने आप मिल जाएगा? लो भाई सुनो। मैं सच कह रहा हूँ सेठ जी। अच्छा वो कैसे? अच्छा सेठ जी, मुझे एक बात बताइए, आपने जो इतना सब कमाया वो कितने दिनों में कमाया? कई सालों की मेहनत है मेरी, खून पसीने से सींचा है मैंने। और मेरे बेटे ने 5-6 दिन में कमाया। क्या कहते हो, क्या कोई खजाना हाथ लग गया? खजाना नहीं सेठ जी, सिर्फ 5,000 रुपया खर्चा करके। तुम कहना क्या चाहते हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने मेरे बेटे से कहा, ये ले 5,000 रुपए बेटा, और उस अमीर की लड़की को पटा और बन जा अंबानी या टाटा। मेरे बेटे ने एक अमीर आदमी की इकलौती बेटी को पटाया। हाँ, उसने उस लड़की से शादी करके उसके बाप की दौलत का वारिस बन गया। चक्कर तो बड़ा अच्छा चलाया तेरे बेटे ने, मुझे पसंद आया। और शेठ जी, हाँ? वो इकलौती अमीर बाप की बेटी कौन है पता है आपको? नहीं। वो अब मेरी बहू है। अच्छा? मेरे बेटे की बीवी है। हाँ? और मेरे घर की लक्ष्मी है। अरे मगर ये बता कि वो किसकी बेटी है? अच्छा वो लड़की किसकी है ये जानना चाहते हो आप? हाँ? वो तुम्हारी ही बेटी है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ लाइक कीजिए।